स्टूडेंट्स, आज हमें फोर्थ आईसीएसई के लिए पाठ शुरू करने वाले हैं। तो पहला पाठ है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है कि प्रेयर। प्रेयर ऐसा करना चाहिए कि मन लगाकर जो कुछ भी हम काम शुरू करते हैं तो प्रेयर करके ही काम शुरू करना चाहिए। प्रेयर ऐसा करना है कि मन लगाकर करना और नम्रता से करना चाहिए। जो हमें ऐसा प्रेयर करने से जो पूरा मांग फुलफिल हो जाता है, भगवान हमें सबरी प्राप्त कर देता है। इसलिए हमें पाठ में पहला शुरू करते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है छात्रों? प्रेयर। ओके, आज हमें प्रेयर पाठ चलाने वाले हैं। हाथ जोड़कर हम करते विनती, हाथ जोड़कर हम करते विनती, भगवान हमें भर दो आदतें अच्छी। हाथ जोड़कर हम करते विनती, भगवान हमें भर दो आदतें अच्छी। सदा सत्य की राह पर चलें, सेवा भाव भी मन में रखें। सदा सत्य की राह पर चलें, सेवा भाव भी मन में रखें। माता पिता का प्रतिदिन माने कहना, माता पिता का प्रतिदिन माने कहना, आदर करे सभी बड़ों और गुरुजनों को, आदर करे सभी बड़ों और गुरुजनों को। रहे सदा सबसे मिलजुल कर, रहे सदा सबसे मिलजुल कर, प्राण त्याग दे मातृभूमि पर, प्राण त्याग दे मातृभूमि पर। तुम ही ईसा खुदा तुम ही हो, ईश्वर राह दिखाने वाले तुम ही हो। इसके बाद इसका मतलब हमें सिखाते हैं। हाथ जोड़कर हम करते विनती, विनती से करना है तो विनती करना है, विनती का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तब हमें हाथ जोड़कर भगवान से ऐसा विनती करना है, ऐसा रिक्वेस्ट करना है कि जो हमारी मांग क्या होती है, भगवान हम में भर दो आदतें अच्छी। इंसान का पहला कैरेक्टर होता है कि उनको अच्छे आदतें होना। अच्छे आदतें से भरपूर होने से ही छात्रों तुम्हारा भविष्य अच्छा होता है, अच्छे ही अच्छा प्रकाश होता है। इसलिए हमें पहले भगवान से ऐसा मांग करते हैं कि हमें अच्छी आदतें भर देना। सदा सत्य की राह पर चले, हमें कुमार का मतलब बुरा रास्ते से, बुरा कामों से हमें बचा ले भगवान, हमें सबसे इनसे हमें बचा ले। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदा सत्य राह पर चले, हमें अच्छा राह दिखा दे, हमें ऐसा राह दिखा कि हमारा भविष्य प्रकाश हो। हमें सदा सत्य बोलना है। सत्य का मतलब क्या होता है कि ट्रुथ। सत्य का फल जब कड़वी होने पर भी वो भविष्य में बहुत मीठा होता है। झूठ तो जब भी अच्छा ब्राइट होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भविष्य में इतना ही इतना बुरा होता है। इसलिए हमें सदा सत्य की राह पर चलना है और हमेशा सत्य बोलना है। सेवा भाव भी मन में रहे। सेवा का मतलब क्या है? सर्विस, हेल्प, दूसरों का सहायता करना है, मदद करना है, यही होता है सेवा। सबको सेवा करने का दिल होना चाहिए। हमेशा बहुत ज्यादा लोग ऐसा नहीं करते हैं, दूसरों को देना, बांट कर खाना, ऐसा नहीं करते हैं। आज के दिन में तो कोरोना इतना ही बड़ा एक वायरस आया है तो जानलेवा है, सबका जान ले लेता है। जब भी लॉकडाउन ऐसा ही हमें सुनते ही क्या करें सब लोग, जल्दी जल्दी से जो हमना जो चाहिए तो थिंग्स को हमें गैदर करना शुरू कर लिए। तो हमें क्या होनी है, तो बिस्किट होना है क्या, तो फैमिली चलाने के लिए थिंग्स होना है क्या, सब कुछ हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन मजदूर लोग क्या करेंगे, बेरोजगार क्या करेंगे? जब कुछ वो काम करते हैं तभी उनका सैलरी मिलता है, जब वो घर बैठ गए तो कुछ नहीं मिलता। तब वे लोग को भी परिवार होता है और उनके भी बाल बच्चे होते हैं, सब वे लोग क्या खाएंगे? तब इस वक्त एक अच्छा ही एग्जाम्पल होता है कि इस वक्त हमें क्या करना है,
उनकी सहायता करना है, जितना हो सके हम दूसरों की मदद करना चाहिए। इसलिए अच्छे ही अच्छा सेवा का मन होना चाहिए। भगवान से ऐसा प्रार्थना करना है कि सेवा भाव भी मन में रखें। माता पिता का प्रतिदिन कहना माना। आजकल के बच्चे माता पिता का कोई आदर नहीं करते हैं, उनका कहना कोई मानते नहीं, तो हमेशा वापस करके ही बात करते हैं। तो ये एक बहुत फैशन हो गया है कि जो माँ ऐसा कही तो मेरा पिता ऐसा कहे तो मैं नहीं ऐसा नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, जो कुछ मुझे होना वो चाहिए। तो ऐसा नहीं होता बच्चे, जाको क्या करना है कि बड़ों का आदर करना, माता पिता का कहना माना, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप लोग उस स्थान पर आएंगे तब उसका ये माना आप पहचान सकेंगे, माता पिता का कहना मानने का। आदर करे सभी सभी बड़ों और गुरुजनों को। आजकल बड़ों का नकल ही करते हैं कि, लेकिन उनका कोई आदर नहीं करते हैं। जो कुछ वे लोग जो उनके एक्सपीरियंस में हमें एडवाइस देते हैं वो हमें बुरा लगता है। हमेशा एडवाइस तो सब लोग को बुरा ही होता है, लेकिन वे लोग उनके एक्सपीरियंस में जो कुछ कहते हैं लेकिन हमें उसे नहीं लेते हैं, तो हमें कहते हैं चुप रहो, इसे ये बूढ़े को दूसरा काम नहीं है, ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या होता तो हम अकल नकल करते हैं और उन पर हद से करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो जब वे लोगों का क्या होगा, उनका दिल का दर्द क्या होगा, वो हमें समझ नहीं सकते हैं। ये अच्छा नहीं होता। हमें उन लोगों का आदर करना है, उनका एक्सपीरियंस का जो एडवाइस होता है उसे मान लेना है, और गुरुजनों का ही बहुत आदर करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं गुरुजन, इनसे आदर करते हो क्या छात्रों? नहीं, हमेशा उन पर मजाक उड़ाते हैं और जो कुछ उन कहते हैं उनका अपोज करते हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं करना, बहुत बुरी बात होती है। आदर करें सभी बड़ों और बुजुर्गों को, गुरुजनों को। रही सदा सबसे मिलजुल कर। इंडिया का एक ही, हमारे भारत का पॉलिसी एक ही होता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। इसका मतलब क्या है, हम सब क्या करते हैं, जाति अलग होने पर भी हम भारतवासी, इसमें ऐसा ही मिलजुल कर रहते हैं। जब कुछ उन लोग में कुछ फेस्टिवल्स होता है तो हमें बांट देते हैं, तो हमारे घर में कुछ फेस्टिवल्स होता है तो उनको हमें इन्वाइट करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो ऐसा ही होता है। तब इसका मतलब होता है मिलजुल कर रहना, इसे अकेले नहीं रहना। लेकिन आजकल के बच्चों नहीं रहते हैं मिलजुल कर, हमेशा माता पिता और उनका सेल ही उनका दुनिया होता है, सेल फोन ही उनका दुनिया होता है। तो आसपास में क्या चलता है, बगल में क्या होता है, कुछ भी उनको पता नहीं होता है। बच्चों सब लोग से मिलजुल कर रहो और सबका सहायता करो। प्राण दे त्याग दे मातृभूमि पर। हमारे देश के हित के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे प्राण को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो लोग बादल में खड़ के हमारा रक्षा करते हैं, हमें अच्छे से गहरी नींद सोने के लिए वो हमेशा दिन रात करके जागते हैं, सर्दी और धूप में यही खड़े होते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं देश के लिए, उन्होंने क्या करते हैं, उनका प्राण त्याग करने का तैयार हो गए। ऐसे ही हमें भी छात्रों, हमें भी क्या करना है, देश के हित के लिए हमारा प्राण त्याग करना चाहिए। तुम ही ईसा खुदा तुम ही हो, ईश्वर राह दिखाने वाले तुम ही हो। खुदा का अलग नाम, अलग अलग नाम होता है, गॉड एक ही होता है, लेकिन उनके जाति के अनुसार, उनके मजहब के अनुसार गॉड को अलग अलग नाम से बुला लेते हैं। चाहे ईसाई लोग उनको ईसा कहते हैं और मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं और हिंदू लोग ईश्वर कहते हैं, क्या होने पर भी क्या है, गॉड एक ही होता है और गॉड का कहना भी एक ही होता है। मजहब होने पर, अलग होने पर भी कहावत एक ही होता है। इसलिए जो चाहे कोई भी मजहब हो, कुछ भी हो, अपने अपने प्यारे गॉड से तो कुछ भी नाम लेकर बुला लो, लेकिन क्या करना है, प्रेयर ऐसा ही विनती से करना चाहिए, ऐसा ही हम्बल से रिक्वेस्ट करना चाहिए, जो हमारा चाहे फुलफिल हो, जो हमारा मांग फुलफिल हो। इसलिए मन लगाकर प्रेयर करो छात्र छात्रों, और सब कुछ हमें मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार फिर पोयम पढ़ती हूँ, सुन लीजिए। हाथ जोड़कर हम करते विनती, भगवान हमें भर दो आदतें अच्छी, सदा सत्य की राह पर चलें, सेवा भाव भी मन में रखें।
माता पिता का प्रतिदिन मानी कहना आदर करें सभी बड़ों और गुरुजनों का, रही सदा सबसे मिलजुल कर प्राण त्याग दे मातृभूमि पर, तुम ही ईसा खुदा तुम ही हो ईश्वर राग दिखाने वाले तुम ही हो। अब इसमें कुछ कठिन शब्द होता है कि जो विनती का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और आदतें हमारे हैबिट्स, भगवान गॉड सत्य ट्रूथ राह रास्ता वे रास्ता सेवा सर्विस माता पिता पेरेंट्स प्रतिदिन हमेशा डेली आदर करना रेस्पेक्ट, बड़ों का मतलब बुजुर्ग लोग और गुरुजनों होते हैं टीचर्स, मिलजुल कर यूनिटी से रहना मातृभूमि मदरलैंड, और ईसा खुदा ईश्वर ये सब गॉड, अलग अलग मजहब में बोलते हैं लेकिन गॉड एक ही होता है। समझ में आता हो क्या? ओके, अच्छे से पढ़ लो छात्रों, धन्यवाद।